टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि हर घर तिरंगा अभियान के जरिए लोगों को अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाना है और इस अमृत महोत्सव से लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और तिरंगा अपने अपने घरों पर फहराने के लिए काफ़ी उत्साहित भी हैं। इसी तरह से मुंब्रा में सुधीर भगत ने संजय नगर इलाके के घर घर दुकान दुकान यहां तक कि मंदिर और मस्जिद में भी तिरंगा दिया है। सुधीर भगत ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत सबको तिरंगा दिया गया है। ऐसा है, हमारे हेल्पिंग हैंड की तरफ से हमने कल जो पाई यात्रा गई थी, जो पैदल यात्रा शिव शनि मंदिर से लेके तो आशापुरा देवस्थान में गई थी, वहाँ पर हम लोगों ने कल 150 झंडे उनके हाथ में दिए और वहाँ बांटे गए थे। साथ ही साथ अभी मेरा आज का पूरा 250 का मैंने जो झंडे वितरण का कार्यक्रम था, मस्जिद मंदिर दुकानें घर कई लोग इसमें शामिल थे और उस हिसाब से मैं हर वर्ग के लोगों को इस देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर इकट्ठा करना चाहता हूं और हर लोगों को जैसे हम ईद और दिवाली मनाते हैं वैसे खुशियां मनाए और जश्न मनाए। इस चीज़ की अमृत महोत्सव के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी भी, उसके लिए क्या कहेंगे? अमृत महोत्सव हमारे स्वतंत्र आज हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे कई लोगों ने इसके लिए अपनी जान शहादत दी थी, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए कई हमारे पूर्वज लोग उन्होंने अपनी शहादत दी थी, फिर मौलाना आज़ाद हो ऐसे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, ऐसे कई लोगों ने हमारे देश को, अगर हमको हमारे पूर्वजों की याद नहीं आई तो फिर हमने कुछ नहीं किया। वो लोग जिन्होंने अपनी जान दे करके आज हमें सुरक्षित किया, हमारे 75 साल आज हम हमारे बाल बच्चों को सुरक्षित किया है, वो चीज की कुर्बानी दी है, कुर्बानी उनकी जाया नहीं जानी चाहिए। हम लोग ने सब ने मिलकर ये खुशियाँ जैसे हम ईद दिवाली मनाते हैं उस तरह से देश की आज़ादी भी हम सर चढ़ के मनाएंगे। ये हमारे में वो जज्बा है, हमारे सब आज बुजुर्ग लोग हैं आशीर्वाद देने के लिए। हम एक कौम में मुस्लिम है और हमारे में एक भाव नहीं है, समझ गया। हम सबको हमारे बुजुर्गों ने जो मिशन दिया है कि हम कि अल्लाह तबारक तआला ईश्वर ने के बंदे सब हैं और सबको प्यार मोहब्बत से करना है, समझ गए। बीच में कुछ लोग ये इत्तेफाकी फायदा करते वो हमारे में नहीं है, हमारे में इत्तेफाकी नहीं है क्योंकि पहले अगर नहीं पुराने जमाने से भी इत्तेफाकी नहीं है। इत्तेफाकी का जो सबक हम लोग को नहीं सिखाया जाता, मालूम है, क्योंकि मुस्लिम जोड़ता है तोड़ता नहीं। मुस्लिम का कौम जो है जोड़ने की हिदायत दी गई, मतलब शिक्षा दिया गया है तोड़ने का नहीं। और इसके अलावा क्या प्यार मोहब्बत से हम जिंदगी बसर करते हैं। हमारे बाजू में देखो अभी मराठी रहता है, उससे जाके पूछो तो वो क्या बोलता है, सूफी साहब आपके जैसा आदमी हमको कोई मिल जाए तो भगवान मिल गए। बताइए, दुख सुख सब हर चीज में हम शामिल रहते हैं,